नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षण में आपका सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा पंचमी में गणित विषय में पाठ संख्या 5 भाग 1 आज का जो प्रकरण है वो है गुणज, यानी गुणज क्या होता है। इससे पूर्व अपने गत कक्षा में ये पढ़ा था कि गुणज यानी किसी भी संख्या का पहाड़ा, उसके क्रम को आगे बढ़ाना, वो गुणज कहलाता है। तो गुणज की सामान्य परिभाषा क्या हो सकती है, मैं लिख रहा हूं। जैसे किसी संख्या को 1, 2, 3, 4 आदि से गुणा करने पर जो गुणनफल आता है उसे गुणज कहते हैं। ये सामान्य सी परिभाषा है कि किसी संख्या को 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे किसी भी अंक से गुणा करेंगे तो जो गुणनफल प्राप्त होगा उसे हम गुणज कहते हैं। एक उदाहरण के लिए मैं जैसे 3 के गुणज लिख रहे हैं, 3 के गुणज लिख रहे हैं, तो आपको 3 को सबसे पहले गुणा करने का, 1 से गुणा करना है, फिर 3 को 2 से गुणा करना है, फिर 3 को 3 से गुणा करना है, फिर 3 को 4 से गुणा करना है। जितनी बार आपको कहेंगे भाई 3 के कितने गुणज लिखने हैं, कि भाई 3 के 5 गुणज लिखिए, 4 गुणज लिखिए, तो आपको इस प्रकार लिखना है। तो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3 आएंगे, 3 दूना 6 हो जाएंगे, 3 त्रिया 9 हो जाएंगे, 3 चौके 12 हो जाएंगे। तो ये जो सारे संख्याएं आ रही है, अंक आ रहे हैं, संख्या आ रही है, वो सभी 3 के गुणज है। मुख्य रूप से मोटे तौर पर कहेंगे कि गुणज का मतलब क्या होता है, तो गुणज का अर्थ है पहाड़ा, यानी किसी संख्या का पहाड़ा, उसको आगे बढ़ाना, उसके गुणज कहलाते हैं। जैसे मेरे को लिखना है 7 के 4 गुणज लिखिए, यानी 7 संख्या है, अंक है, उसके 4 गुणज लिखने हैं। तो मैं 7 को 1 से गुणा करूंगा, फिर 7 को 2 से करूंगा, फिर 7 को 3 से गुणा करूंगा, फिर 7 को 4 से गुणा करूंगा। वो 4 का है तो 4 बार मैं 1, 2, 3, 4 से गुणा करूंगा तो 7 के, 7 × 7, 7 × 14, 7 × 21, 7 × 28। ये गुणज है। गुणज का सामान्य अर्थ ही पहाड़ा होता है। कई बार गुणज में ये होता है कि दो संख्याओं का पूछा जाता है, जैसे दो अंकों का पूछ सकता है। एक बात समझेंगे, जैसे 5 व 2 के समान गुणज, याद करो कि भाई आपको 5 और 2 के समान गुणज याद करने हैं, तो आपको सबसे पहले 5 के गुणज लिखने हैं, फिर 2 के गुणज लिखने हैं। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा, जैसे 5 का पहाड़ा 5 × 5 = 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 ऐसे इस प्रकार से आगे बढ़ाना। अब देखो 2 का लिखना है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ये 22 इस प्रकार अनंत है। आपको इसमें ये पूछते हैं कि जब भी गुणज का दो संख्याओं का समान गुणज पूछते हैं तो सबसे छोटा पूछते हैं, यानी भाई 5 व 2 का समान गुणज, यानी सबसे छोटा समान गुणज, यहाँ सबसे छोटा लिख सकते हैं, सबसे छोटा। तो आपको सबसे पहले देखना है कि दोनों में कॉमन चीज क्या है, कि जो अंक इसमें है और वो इसमें भी है, इसमें 5 है इसमें नहीं है। तो आप ऐसे आगे बढ़ेंगे तो जैसे 10 इसमें है, इसमें 10 है क्या, हाँ है, ये दोनों ये समान है, यानी 5 और 2 का जो पहला सबसे छोटा गुणज होगा वो होगा 10। इसी प्रकार 2 और समान में क्या हो सकता है, जैसे 20 यहाँ पर है तो यहाँ 20 ही आ गए,
तो समान गुणज तो ये हो सकते हैं भाई, समान गुणज तो क्या है 10 और 20 और आगे हो सकते हैं 30 भी हो सकते थे, और सबसे छोटा, सबसे छोटा समान गुणज, सबसे छोटा समान गुणज है वो 10 है। इस प्रकार से अपन तीन अंकों का भी कर सकते हैं, तीन अंकों का समान पूछते हैं तो तीन अंकों को भी कर सकते हैं। जैसे एक प्रश्न कर रहा हूं मैं, जैसे 8, 6 और 4 की का सबसे छोटा समान गुणज, यानी तीन अंक दिए हैं 8, 6 और 4, इसमें सबसे छोटा समान गुणज याद करना है। तो आपको सबसे पहले 8, 6 और 4 के गुणज लिखने हैं, 8 का गुणज, 6 का गुणज और 4 का गुणज। तो 8 का जैसे 8 = 8, 16, 8 = 24, 8 = 32, 8 = 40, 48, ऐसे करके आगे बढ़ा दो। जैसे 6 का लिखें 6 = 6 = 18, 6 = 24, 6 = 30, 6 = 32, 6 = 42, इस प्रकार इसको भी आगे बढ़ाना है। फिर 4 का लिखें 4 = 4, 4 = 8, 4 = 12, 4 = 16, 4 = 20, 4 = 24, 4 = 28 और ये 32, इसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें देखना समान गुणज क्या है, यानी ऐसी चीज कौन सी है जो सब में समान रूप से आई। तो समान गुणज है वो, जैसे इसमें 24 है, इसमें 24 है, इसमें 24 है, बाकी इसमें से कोई अंक मैच नहीं कर रहा है। जैसे 16 इसमें 16 नहीं, ऐसे। तो 24 पहला है, 24 दूसरा हो सकता था, इससे आगे चलेंगे तो इसमें 48 हो सकता है, जैसे 32, 36, 40, 44, 48 हो सकता था। इसमें 6 का 12, 6 = 48 हो सकते थे, तो इसमें 48 इधर हो सकता था, एक इधर। तो ये तो एक तो 24 हो गया, एक दूसरा 48 हो गया, और सबसे छोटा समान है, सबसे छोटा गुणज या सबसे छोटा समान गुणज है वो 24 है। इस प्रकार से हम गुणज के जो प्रश्न है वो कर सकते हैं। गुणज में सामान्य रूप से ये उसका अर्थ होता है कि किसी भी अंक को 1, 2, 3 या 4 से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वो उस संख्या का गुणज कहलाता है। तो गुणज का अर्थ है कि पहाड़ों का जो क्रम होता है उसको आगे बढ़ाना।